सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो बनाया गया है धनु राशि के लिए 9 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपके साथ क्या घटनाएं होंगी। कुछ अच्छी घटनाएं होंगी और कुछ बुरी। बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी दिए हैं, जिसे करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य राशिफल के बारे में। धनु राशि के जो जातक स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं, उन्हें पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के बारे में कुछ अनुभव इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें काफ़ी बेहतर अनुभव होंगे। उनके लिए महीना बेहतरीन साबित होगा। आपको इस महीने अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर विशेष फोकस करना होगा, तभी आप सुकून से रह पाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, जिसकी वजह से स्थिति बेहतर रहेगी। इस महीने कोई लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्राएं बेहद कम होंगी। इसके अतिरिक्त यात्रा पर जाने से पहले आपको पूरी तैयारी से जाना होगा, अन्यथा आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर की बात की जाए तो यह महीना आपके पक्ष में नजर आता है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। परिवार की स्थितियों का असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसीलिए उन चिंताओं को घर पर ही रहने दें और काम में अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। आपको कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी पदोन्नति में सहायक होंगी, लेकिन उनसे बुरा व्यवहार आपको चुनौतियां दे सकता है। अपने विरोधियों से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि वे इस दौरान अपना सर उठा सकते हैं। वहीं सहकर्मी आपके पक्ष में दिखाई देंगे और आपको उनसे अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जो कोई दंडात्मक कार्यवाही का रूप भी ले सकती है, इसीलिए अपने काम के प्रति सावधान और ईमानदारी बने रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ध्यान दें, टैक्स चोरी करने का प्रयास आपको मुसीबत में डाल सकता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक तौर पर आपके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। जहां एक ओर आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपको अनेक मोर्चों से धन प्राप्ति के मार्ग खोलेंगे, वहीं शनिदेव की कृपा भी आर्थिक मामलों के लिए बेहतर साबित होगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से भी कोई अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं और आपको अचल संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना बनेगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आप ने किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उधार अथवा लोन लेने का आवेदन किया हुआ है, तो इस दौरान आपका यह लोन पास हो सकता है और आपको कम ब्याज का लाभ भी मिलेगा। किसी महिला मित्र के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। टाल मटोल करने से आपको परेशानियां आ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर परेशानियां घेर सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सभी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के नज़रिए से यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति राशि में स्थित तो है, लेकिन उस पर राहु केतु का पुण्य प्रभाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं और कुछ ऐसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, जिनका हल आसानी से आपको प्राप्त ना हो और आपको एक से अधिक डॉक्टरों को दिखाना पड़े, तभी जाकर बात बनेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव में छठे भाव का स्वामी शुक्र विराजमान होने से भी रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर जीवन व्यतीत करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सीने में जलन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में।
प्रेम के मामलों में आपको मिले मिले परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति की कृपा से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। हालांकि उनकी राह उतनी आसान नहीं होगी, फिर भी चुनौतियों का सामना करके वे अपने प्रियतम को प्रेम विवाह के लिए राजी कर लेंगे और दोनों के बीच प्रेम विवाह की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें भी इस दौरान किसी खास से मिलने का मौका मिल सकता है जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा और उनकी लव लाइफ चल पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से ही किसी लव लाइफ रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने प्यार में ईमानदार रहना होगा और पूरी तरह से उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि चुनौतियां तो आपके रास्ते में आएंगी ही। अब आप कितने सच्चे हैं यह इसी बात से पता चलेगा कि आप अगर चुनौतियों के सामने डट कर रहेंगे तो प्रेम विवाह हो सकता है और आपकी लव लाइफ पर बेहतर तरीके से चलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेषकर महीने की शुरुआत में, क्योंकि राहु सूर्य और बुध तीनों ही आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं और मंगल भी इस भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में घर में कलेश होने की संभावना काफी अधिक है। महीने का पूर्वार्ध कमजोर ही रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उत्तरार्ध में सूर्य आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाएगा। ऐसे में चुनौतियाँ कुछ कम होंगी और आपका प्रियतम अपने मन की सभी बातें आपसे साझा करने लगेगा, जिससे आपके बीच की दूरियाँ कम होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। आपको चाहिए कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय उनके लिए अवश्य निकालें, जिसकी उन्हें दरकार भी है। अब हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सोचा जाए तो यह मानकर चलिए कि चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित है, जो बताता है कि आप भले ही अपनी माता जी को कितना ही प्यार करते हों, लेकिन इस दौरान आप दोनों के बीच हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर हो सकता है। लेकिन यही मंगल आपके जीवन में चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान करने में सक्षम भी है, इसीलिए इस दौरान आप कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी इस पर होने से परिवार में कुछ तनाव बना रहेगा, लेकिन दूसरी ओर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो घर के हित में होगी। इसके अतिरिक्त कुटुंब का वातावरण बेहतर बनेगा और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर कार्य करेंगे। पिताजी को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में उनको अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी चुनौतियां बढ़ेंगी और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों की ओर से आपको आर्थिक तौर पर पूरा लाभ मिलेगा और इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। इस महीने उपाय के तौर पर आपको किसी मंदिर में जाकर काले तिल, उड़द तथा काले तिलों का दान करना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक चुनौतियां भी समाप्त होंगी। आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और आप चाहें तो माड़ी के रत्न को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही रत्न आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। किसी से भी झूठा वादा ना करें और गरीबों को यथासंभव भोजन कराएं। बंधुओं, धनु राशि के जो जातक स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं, उन्हें पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के बारे में कुछ अनुभव इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें काफी बेहतर अनुभव होंगे, उनके लिए महीना बेहतरीन साबित होगा। आपको इस महीने अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर विशेष फोकस करना होगा, तभी आप सुकून से रह पाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, जिसकी वजह से स्थिति बेहतर रहेगी। इस महीने कोई लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्राएं बेहद कम होंगी। इसके अतिरिक्त यात्रा पर जाने से पहले आपको पूरी तैयारी से जाना होगा, अन्यथा आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर की बात की जाए तो यह महीना आपके पक्ष में नजर आता है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदन अभिनंदन कि आपने ये वीडियो पूरा आखिर तक देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल देसी भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।